उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर दुर्गा शंकर मिश्र ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना का संक्रमण सर्दी जुकाम और बुखार से अधिक कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का बयान ऐसे समय आया है जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में 15 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों, रोड शो और नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगा दी है। यूपी के मुख्य सचिव ने ओमिक्रॉन पर क्या कहा? मुख्य सचिव रविवार को प्रदेश के पुलिस प्रमुख मुकुल गोयल के साथ दौरे पर आए थे। इस दौरान ही उन्होंने ये बात कही है। दोनों अधिकारियों ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किया। इन अधिकारियों ने दर्शन पूजन के साथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और उस पर विशेष चर्चा की। ओमिक्रॉन वेरिएंट को हल्की सर्दी खांसी बुखार की तरह बताते हुए प्रमुख सचिव ने कहा कि ये उतना मुश्किल नहीं है जैसे दूसरी लहर आई थी। घबराने की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे संक्रमित होकर हॉस्पिटल भी बहुत कम लोग जा रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं वो दूसरी बीमारी के कारण जा रहे हैं। संक्रमित लोग 7 दिन में ठीक भी हो जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि युवाओं का वैक्सीनेशन हो रहा है, अब सब कुछ ठीक है। कोविड का इन्फेक्शन केवल हमारे प्रदेश में नहीं पूरे देश में और पूरी दुनिया में फैल रहा है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।